बात करती हूँ जीएचसीएल की, जहां पर हमने देखा है नंबर्स कमजोर रहे हैं। आपको याद होगा नवंबर से वो सोडा ऐश प्राइसेस में ग्लोबली कुछ कटौती शुरू हो गई थी, क्या उसी का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और, इस सब पर बातचीत करेंगे। और नंबर्स अगर मैं आपको फटाफट बता दूं, आय में करीब 27% की गिरावट, मुनाफा 50% कम होकर आया है, मार्जिन्स पर दबाव अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है। मेरे साथ कंपनी के MD RS जलान अब जुड़ गए हैं। जलान साहब स्वागत है आपका। ये एक कमजोर क्वार्टर सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी रहा है, तो क्या ये नरमी का सिलसिला शायद Q1 में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कुछ प्राइस करेक्शन जो सोडा ऐश की कीमतों में दिखा, आई थिंक उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, अगर आप 2023-24 के पूरे नंबर को अगर देखें तो ग्रेजुअली जो है सोडा ऐश के प्राइसेस में गिरावट आई है, और उसका मेजर कारण जो है वो ग्लोबल जो ओवर सप्लाई सिचुएशन है, और ये ग्लोबल ओवर सप्लाई सिचुएशन जो है वो डिमांड US और यूरोप में कम होने की वजह से, जो वहां पर जो सरप्लस क्वांटिटी थी तुर्की US में, वो क्वांटिटी इंडिया में आई है, और जो इम्पोर्ट इंडिया में करीब करीब 5 से 6 लाख टन हुआ करता था, वो इस साल में करीब 10 लाख टन हुआ है। तो उसकी वजह से, ओवर सप्लाई की सिचुएशन की वजह से इंडिया की प्राइसेस में सॉफ्टनेस आई है। लेकिन अगर इसी क्वार्टर को अगर आप पिछले पिछले क्वार्टर से, Q3 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो ये परफॉर्मेंस बेटर आई है एज कम्पेयर टू द थर्ड क्वार्टर। और इसका प्राइम रीजन क्या है कि इस बार हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज आई है और प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी हैं, और अभी आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में प्रोबेबली इसी रेंज बाउंड में प्राइसेस रहेंगी। आगे प्राइस इरोजन की अब संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन सप्लाई साइड की सिचुएशन कैसी रहेगी, और क्या डिमांड इस समय प्रोडक्ट की खासतौर से भारतीय मार्केट्स में है, क्योंकि टाटा केमिकल से जब हम बातचीत कर रहे थे 2 हफ्ते पहले, उन्होंने मेंशन किया था डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जलान साहब? बिल्कुल आपने सही बताया कि जो ओवरऑल जो इंडिया की जो डिमांड है 23-24 में, वो करीब करीब 2.7% से ग्रो हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल से कम है। हाउएवर ऐसा मानना है कि 24-25 में डिमांड जो है वो अच्छी रहेगी, और ये 4 से 5% की डिमांड 24-25 में होनी चाहिए, तो उससे डेफिनेटली ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 से 2 लाख टन की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी हिंदुस्तान में, और डेफिनेटली दैट विल हेल्प पूरे ओवरऑल सप्लाई को हेल्प करेगी। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन में क्या कुछ परिस्थिति में बदलाव आ सकता है क्या, जो आप ओवर सप्लाई की बात कर रहे थे अमेरिका और यूरोप में? ये सारा डिपेंड करता है, एक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देख रही हैं वो इतनी अनसर्टेन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि इससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अब धीरे धीरे जो आपके जो इन्फ्लेशन है यूरोप और US में, वो थोड़ी टेपर डाउन हो रही है, तो आने वाले समय में श्योरली जो है ये सप्लाई जो डिमांड है उसमें रिकवरी आनी चाहिए इन दोनों मेजर मार्केट में, और डेफिनेटली इससे जो है बेटर सिचुएशन होनी चाहिए। तो इस समय क्या आप FY25 पर कोई आउटलुक दे पाएंगे जलान साहब, कि कब तक वो रिकवरी देखने को मिलेगी, आपके फिर निवेशक उस लिहाज से भी मेंटली तैयारी करें? देखिए लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से मैं बोलूं तो सोडा ऐश का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है, उसका कारण 2-3 है। पहला, जैसे कि सोलर का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सोलर का जो ग्लोबली जो जो टर्न अराउंड हो रहा है वो काफी मैसिव हो रहा है, और ऑलमोस्ट अराउंड 63 मिलियन से 80 मिलियन की डिमांड में ग्रोथ होगी, और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2-3 सालों में इसकी वजह से जो सप्लाई की जो टाइटनेस है वो देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि ये सिचुएशन बनती है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर 24-25 की अगर बात करूं, तो मेरे विचार से अभी ये बॉटम पे है प्राइसेस, और बॉटम पे है ये डिमांड सिचुएशन, यहां से थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए, बट कितनी होगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इतनी और कब तक होगी ये भी कहना मुश्किल रहेगा। क्या सेकेंड हाफ बेहतर होने के आसार है जलान साहब? मैं अगेन जैसा मैंने बताया कि ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट यस हम होप कर रहे हैं कि सेकंड हाफ में थोड़ी सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। मार्जिन्स भी इस बारी काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए, आई एम अज्यूमिंग वो प्राइस करेक्शन का इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ से आगे फिर ये 30% के मार्जिन क्या FY25 में मुश्किल लग रहे हैं आपको?
बिल्कुल 30% की जो EBITDA मार्जिन है वो अभी इस साल में 24-25 में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको अभी जो फोर्थ क्वार्टर में जो मार्जिन मिली है उस मार्जिन के आसपास 1-2% प्लस माइनस के आसपास में रहनी चाहिए। पर जैसे ही थोड़ा सा ग्लोबल सर्टेनिटी आएगी और जो इन्फ्लेशन है यूरोप एंड US में उसमें थोड़ा गिरावट आएगी, और जैसा आपको पता है कि अभी थोड़ा इलेक्शन का भी पीरियड है ग्लोबली, मेनी कंट्रीज आर मतलब वो जा रही है उसमें, तो मेरे विचार से उसके बाद प्रोबेबली थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए और उसकी वजह से डेफिनेटली जो है स्लाइटली मीडियम टर्म्स पे थिंग सिचुएशन जो है बेटर होगी। मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ रही है, तो क्या वॉल्यूम ऑफसेट कर पाएगा दूसरे प्रेशर्स को, और शायद इसे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में फिर पढ़ना चाहिए? नहीं देखिए, जैसा आपने देखा कि इस साल में भी हमारा जो वॉल्यूम का जो जो नंबर है वो नंबर अच्छा है, और ये जो फोर्थ क्वार्टर में जो आपको नंबर अच्छा दिख रहा है वो बेसिकली सीजनैलिटी के हिसाब से है। फोर्थ क्वार्टर जनरली जो है वॉल्यूम्स बेटर होते हैं, प्रोडक्शन भी बेटर होता है, डिमांड भी थोड़ी बेटर होती है। तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि डिमांड की ग्रोथ भी 4-5% की दिखती है, तो उसे डेफिनेटली थोड़ा वॉल्यूम में एक अपने को इजाफा देखने को मिल सकता है। सर, आपके इनफैक्ट कुछ ग्रीन फील्ड प्लान्स भी थे, उसका एक अपडेट दे पाएंगे मुझे कि वहां पर स्थिति क्या है, किस तरह के और इन्वेस्टमेंट्स होंगे गिवन द करंट एनवायरनमेंट? देखिए, हम लोगों ने अभी 3 प्रोजेक्ट हमारे मेजर हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। उसमें 2 प्रोजेक्ट तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसमें जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा वैक्यूम सॉल्ट का प्रोजेक्ट है जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और होपफुली जून 2025 में उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक अच्छा हमारा बास्केट एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्ट बास्केट एक्सपेंशन होगा। दूसरा, अभी हमने लास्ट मीन्स यस्टरडे हमारे जो बोर्ड मीटिंग में हमने उसमें प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड ने किया है जो कि ब्रोमीन, जो हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्ट फील्ड है वहां पर हम ब्रोमीन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी जून जुलाई 2025 में स्टार्ट होगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट हमने पिछले साल कंप्लीट किया था, उस प्रोजेक्ट की अपने को बेनिफिट इस साल में दिखेगी, वो सोडियम बाइकार्बोनेट की है, क्योंकि फ्लू गैस के ट्रीटमेंट में बहुत सी पावर कंपनियों ने उसको यूज करना चालू कर दिया, तो उसमें डिमांड ग्रोथ अच्छी इस बार देखने को मिलेगी। जहां तक आपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, उसमें हम पिछले क्वार्टर से क्लोजर टू द सिचुएशन है। कई सारे अप्रूवल हमको मिल गए हैं, कुछ अप्रूवल अभी बाकी हैं, होपफुली वो इस क्वार्टर में मिल जाएंगे हमको, और मेरे विचार से इस साल उसकी फिजिकल एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की चालू हो जानी चाहिए। तो फिर मैं ये क्या ये मैं सही समझू कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करना था वो लार्जली हो चुका है, अब इस करंट एनवायरनमेंट में जहां पर वैसे भी मार्केट में प्रेशर है आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे? ये जो ग्रीनफील्ड का प्रोजेक्ट है जो कि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इस साल में थोड़ी होगी 24-25 में, और लेकिन इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 25-26 और 26-27 में होगी। और इस साल में इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमारा करीब 4,000 करोड़ रुपया, उसका करीब करीब मेरे विचार से 15% के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस साल में होगा 24-25 में। रफली वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा सर? 15% 15% इस साल में होगा, 4,000 करोड़। मैं 4,000, ओके ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब, एंड गुड लक, होपफुली मार्केट थोड़ा बेहतर करे और आपकी बिजनेस में भी वो टर्न अराउंड देखने को मिले। क्लियरली स्वराज कंपनियों के लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टीम। तो GHCL का मैनेजमेंट डिटेल देता हुआ कि स्थिति क्या है, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव उस पूरे इंटरव्यू से ये निकल कर आ रहा है कि सोडा एश की प्राइसेस में जो प्रेशर था वो बॉटम आउट हो चुका है, यहां से आगे और करेक्शन का अनुमान नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। चलिए, इस बीच हिंदुस्तान जिंक 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान हुआ है, आई थिंक नंबर्स भी वो हाईलाइट हम करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे।